हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस टाइम जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों का फेस्टिवल चल रहा है, तो आज हम आपको कटरा बाजार में नवरात्रों का अपडेट दिखाने वाले हैं। तो ले चलते हैं आज आपको ऊपर कटरा मार्केट में। तो इस टाइम इधर आप देख सकते हो, हम इस टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर के बाहर से निकल रहे हैं और वो सामने एक फर्स्ट एंट्री गेट लग चुका हुआ है नवरात्रा फेस्टिवल का। तो ऊपर का अपडेट दिखाते हैं आपको, ऊपर कितना रश है कितना नहीं। जैसे कि इधर आप देख सकते हो, इस बार इधर नया एंट्री गेट लगाया गया है नवरात्रा फेस्टिवल का। एक फर्स्ट इधर है, दूसरा वही पुराना वाला एसी जो के आगे, और इस बार थोड़ा नए स्टाइल में लगाया गया है। नहीं तो हमेशा पुराने स्टाइल में हुआ करता था, सेम इस बार थोड़ा न्यू है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब आप इधर एसी चौक के एंट्री में देख सकते हो जो एंट्री गेट लगा हुआ है, ये पुराने स्टाइल का ही लगा हुआ है। तो इस टाइम जो रात को झांकियाँ निकलती थी वो नहीं निकल रही हैं, रीजन ड्यू टू द इलेक्शन की वजह से कोई भी झांकी इस टाइम नहीं निकल रही है। तो आज थोड़ा कटरा में मंदा दिख रहा है मेरे को, कोई कितनी खास यात्रा नहीं है। इधर सब आप ऊपर का अपडेट देखिए, इस टाइम थोड़ी थोड़ी लाइट्स ऑन हो चुकी हुई हैं जो पूरे रोड में लगाई गई हैं, जैसे कि देखो लाइन वाइज। अरे यात्रा कम है आज। फर्स्ट टाइम हम इस टाइम अंबिका चौक में, तो अंबिका चौक का इधर आप दृश्य देख सकते हो, लाइटिंग सिस्टम देख सकते हो जो लाइट सिस्टम लग चुका हुआ है। तो इस बार यही रौनक है, छोटी मोटी लाइटें, कोई झांकियाँ नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई माता की चौकी नहीं है, कोई सिंगर नहीं आया कटरा में इस टाइम। तो ये देखिए जो लाइटिंग सिस्टम इधर किया गया है पूरे रोड में, तो मेन आप इधर से देख सकते हो। अब मैं इसको आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, अब आप देखिए आराम से। और ये इस टाइम थोड़ा बहुत रश हो चुका है कटरा बाजार में, थोड़ी सी यात्रा ये रेलवे वाली आ रही है। तो चलते हैं, अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तब हम इधर से बाहर आ चुके हैं, इधर से अब आप फिर से यहाँ का नज़ारा देखिए। इस टाइम जो लाइटें लगाई हैं इस बार लाइट उन्होंने बीच में ब्लू की एक एडिशन की है, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इस टाइम आप स्काई का व्यू देखिए और बीच में लाइट का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है जो आपको, बहुत ही मज़ेदार। और इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक हो चुका है, यात्रा इस टाइम शाम के टाइम निकल चुकी है अपने होटल से बाहर, और कुछ लोकल्स का रश है इधर। बाकी यात्रा में तो रश होता ही है, लेकिन जितना पहले हुआ करता उस के कंपैरिजन इस बार थोड़ा कम है। तो जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि कटरा में ये हमारे होश और आवाज़ में जो हमने अपनी लाइफ में आज तक देखा हुआ है, सेकेंड टाइम हो रहा है कि कटरा में कोई झांकियाँ नहीं निकल रही हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम कोरोना के टाइम हुआ था ऐसा, और इस बार हुआ, इस बार इलेक्शन की वजह से हो गया कि कटरा में कोई भी झांकी नहीं निकल रही है। पर अब उम्मीद बात आ रही है, लास्ट दिन जो नवमी वाला दिन होगा उस दिन झांकी निकली जाएगी। उस दिन आप विद फैमिली नेबर हल मोहल्ले वाले सारे ताए चाचा मामा फूफा सबको लेके आप कटरा में आ सकते हो झांकी देखने के लिए। तो हम घूम फिर के आ चुके हैं अपने एरिया में, एशिया चौक में पहुंच चुके हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि यहाँ लास्ट लाइटिंग सिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको अपडेट दिखा दिया यात्रा का, आज का जो नवरात्रा यात्रा अपडेट था। तो मेन आपको ब्लॉग दिखेगा लास्ट जो होगा झांकी वाला। ऐसे मैंने झांकी का ब्लॉग कभी डाला नहीं है, लेकिन इस बार मैं पक्का डालूँगा। रीज़न ये है कि इस बार एक ही झांकी निकलेगी लास्ट में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आगे कोशिश यही रहेगी, अगर हुए तो आ जाएंगे, घर पे नहीं हुए तो फिर कैंसिल है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरा बताइएगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। जय माता दी, जय श्री राम।